नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं ईपीएस 95 पेंशन्स के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में पूरी वीडियो में इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं तथा यह न्यूज में से आपके लिए क्या 75 सुपर SDA के रिलेटेड है और आपको 75 सुपर SDA के बारे में अशोक जी राउत ने क्या बोला बड़ी बात है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है तो ये वीडियो आपको अंत तक देखना होगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे चैनल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे तथा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन आपके द्वारा योजना में ईपीएस 95 पेंशन को सुलभ न ले अशोक राउत जी। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में कार्यक्रम आपके द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो जिसमें से भारतीय डाक विभाग की ओर से डाकिया पोस्टमैन खुद अगर आकर पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देंगे जिसके लिए प्रति पेंशन 70 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको मैं सर्वप्रथम बता देता हूँ कि प्रति पेंशन को 70 रुपए का भुगतान करना पड़ता है जिसमें से जिसके लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति, यहाँ पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC द्वारा कमांडर राउत जी ने माननीय रविशंकर प्रसाद जी, संचार मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री पेंशन माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, सब मंत्री एवं नई दिल्ली के डाकघर महानिदेशक को ईमेल भेजा जिसमें से कहा कि आपके द्वारा योजना का शुरुआत क्यों कि इसमें दरवाजे की सेवा सुविधा प्रदान है। हालांकि पेंशन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सेवा शुल्क के रूप में 70 रुपए की राशि अधिक मानी जाती है क्योंकि उन्हें केवल 200 से 3000 रुपए की अल्प पेंशन मिलती है। 33 लाख रुपए पेंशन धारकों को 75 रुपए से कम पेंशन मिलती है। यहाँ पर आपके लिए बेहद ही है जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही कि 70 रुपए या 2 लेने वो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 70 रुपए की राशि अधिक मानी जाती है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्योंकि उन्हें मात्र 200 रुपए से 3000 रुपए के बीच में पेंशन मिलती है कि अल्प पेंशन मिलती है जिसकी वजह से 33 लाख पेंशनरों को पेंशन है वो 1500 रुपए से कम मिली है। यानी 1500 रुपए से 33 लाख पेंशन धारकों को पेंशन है वो कम मिल रही है, कम मिल रही है 33 लाख पेंशन धारकों को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 लाख पेंशन धारकों को कम पेंशन मिल रही है जिसकी वजह भी बताई गई है। यह वीडियो आपके लिए बेहद ही खास है तो यह वीडियो आप लोग सभी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप तथा फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना तथा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चैनल के माध्यम से हमेशा आपको लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट स्कीम बताई जाती है जिसके तहत आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाता है और 75 सुपर SDA के बारे में हर एक लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट आती है जिसके बारे में हमें अवगत करा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देश भर के उपभोक्ता सेवा केंद्र देख सकते हैं, देश के उपभोक्ता सेवा केंद्र शुल्क के रूप में केवल 10 रुपए लेने की अनुमति है। फिर यह प्रश्न है कि डाकघर किस सेवा के लिए 70 रुपए एकत्र करने के लिए अधिकतर प्राइवेट सेवाएं 10 रुपए में प्रदान की जा रही हैं। अति अनुरोध है कि ईपीएस 95 पेंशन भारतीय डाक की विभाग आपके द्वारा आपका बैंक आपके द्वारा योजना का सेवा शुल्क ना लिया जाए। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर बड़ी अपडेट है कि आपके द्वारा आपके बैंक द्वारा ये सेवा है वो योजना ना लिया जाए, यहाँ पर एक बड़ी अपडेट दी है अशोक जी राउत ने। तो आपकी अल्प पेंशन की वजह से अशोक जी राउत ने वो बड़ी पेंशन धारकों को न्यूज बताई कि आपके द्वारा आपके बैंक की योजना है वो ना लें क्योंकि उसमें आपको फायदा होगा क्योंकि सरकारी योजना के तहत 10 रुपए लिए जा रहे हैं और जो 70 रुपए लिए जा रहे हैं वो प्राइवेट फंड के द्वारा लिया जा रहा है यानी भारतीय डाक व्यवस्था सेवा द्वारा लिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 75 सुपर SDA के बारे में बात कर लेते हैं, ये जानते हैं कि आपको 75 सुपर SDA हैं वो आखिर कब तक मिलेगा। तो 75 सुपर SDA के बारे में बात करते हैं सर्वप्रथम, तो 75 सुपर SDA आपको है वो जनवरी महीने तक मिल जाएगा क्योंकि जनवरी का मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आगामी बजट है वो जनवरी महीने में
आएगा। तो आर्मी बजट है वो जनवरी महीने में आएगा, तो आपको फिक्स है 7500 प्लस दिए हैं, वो आर्मी जो महीने आ रहे हैं जनवरी फरवरी उस महीने में मिल सकते हैं। आपका बैंक आपके द्वारा योजना में ईपीएस एंड पेंशन से सुलभ न ले, अशोक राउत जी का कहना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने जीवन प्रमाण पत्र डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के संबंध में एक कार्यक्रम आपके बैंक द्वारा योजना शुरू किया है, जिसमें भारतीय डाक विभाग की ओर से डाकिया पोस्टमैन खुद घर आकर पेंशनधारकों का जीवन प्रमाण पत्र जमा कर देंगे, जिसके लिए प्रति पेंशनर रुपये 70 का भुगतान करना पड़ेगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति NAC के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने माननीय रविशंकर प्रसाद जी, संचार मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, राज्य मंत्री पेंशन माननीय संतोष कुमार गंगवार जी, सब मंत्री नई दिल्ली के डाकघर मार्ग निर्देशों को ईमेल भेजा है। आपको बता दूं जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस आपका बैंक आपके द्वारा योजना का स्वागत करते हैं, क्योंकि उसमें दरवाजे की सेवा सुविधा का प्रावधान है। हालांकि ईपीएस एंडी पेंशन धारकों के लिए सेवा शुल्क के रूप में 70 रुपये की राशि अधिक मानी जाती है, क्योंकि उन्हें केवल 200 से लेकर 3000 की अलग पेंशन मिलती है। 35 लाख पेंशन धारकों को 1500 रुपये से कम पेंशन मिल रही है। देश भर के उपभोक्ता सेवा केंद्रों को सेवा शुल्क के रूप में केवल 10 रुपये लेने की अनुमति है। फिर भी प्रश्न यह है कि डाकघर की सेवा के लिए 70 रुपये एकत्रित करने के लिए अधिकृत है, जबकि प्राइवेट सेवा रुपये 10 में प्रदान की जा रही है। अंत अनुरोध है कि ईपीएस 90 पेंशन धारकों से भारतीय डाक विभाग आपका बैंक आपका द्वारा योजना का सेवा सुलभ नहीं लिया जाए। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत आपका।